हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से डील किया है। हमने सेक्शन 16 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को बेयर एक्ट के थ्रू समझा है। सेक्शन 16 बेसिकली लेजिटिमेसी के बारे में बात करता है और सेक्शन 16 ये क्लियर करता है कि जो चाइल्ड है वो भले ही वॉइड मैरिज से उत्पन्न हुआ हो या वॉइडेबल मैरिज से उत्पन्न हुआ हो, उस चाइल्ड का जो स्टेटस है वो उस चाइल्ड के स्टेटस के बराबर है हु इज बोर्न आफ्टर वैलिड मैरिज। तो सेक्शन 16 ये क्लियर करता है कि कोई बच्चा लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट नहीं होता है। एवरी चाइल्ड इज लेजिटिमेट वेदर बोर्न आउट ऑफ वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज। अगर आप वीडियो में नए हो और वॉइड मैरिज वॉइडेबल मैरिज के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। सेक्शन 17 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर बाइगेमी, राइट। हमारे हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 बाइगेमी को रेस्ट्रिक्ट करता है। और जब हम सेक्शन 5 के बारे में बात करते हैं जो कि कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज के बारे में बात करता है, इसमें 5 कंडीशंस हैं। इन 5 कंडीशंस में जो सबसे पहला कंडीशन है वो है रेस्ट्रिक्शन ऑफ बाइगेमी। और सेक्शन 5 का कंडीशन 1 ये क्लियर करता है कि नाइदर पार्टी हैज स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी जिन दो पार्टीज के बीच विवाह हो रहा है उनका पहले से कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए उस दिन तक। तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 कंप्लीटली प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ बाइगेमी। राइट, तो सेक्शन 17 उसी बाइगेमी के पनिशमेंट के बारे में बात करता है, राइट। सबसे पहले हम समझते हैं कि बाइगेमी क्या है। बाइगेमी मींस सोलेमनाइजेशन ऑफ सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ स्पाउस और ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड फर्स्ट मैरिज, यानी प्रथम वैध विवाह के अंदर या फर्स्ट स्पाउस के लाइफ टाइम के अंदर अगर कोई पार्टी हस्बैंड या वाइफ सेकेंड मैरिज करती है तो वो बाइगेमी कहलाएगा। और सेक्शन 17 के तहत ये क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी हस्बैंड एंड वाइफ जिनके बीच ऑलरेडी एक वैलिड मैरिज एग्जिस्ट करता है, इन दोनों में से कोई एक वेदर हस्बैंड और वाइफ अदर स्पाउस के लाइफ टाइम में या ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ फर्स्ट वैलिड मैरिज सेकेंड मैरिज परफॉर्म करता है तो वो बाइगेमी है। और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, राइट। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इस बाइगेमी को एक पनिशेबल ऑफेंस मानता है। और ये जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 17, इसका जो इफेक्ट है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, विच मींस जिस दिन ये एक्ट लागू हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट लागू हुआ है 18 मई 1955 को,
तो ये जो सेक्शन के प्रोविजंस हैं, अगर कोई मैरिज, कोई सेकंड मैरिज 18 मई 1955 के बाद सोलेमनाइज होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ स्पाउस और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट वैलिड मैरिज, तो वो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, राइट। 18 मई 1955 से पहले कोई दो हिंदू एक से ज्यादा शादी करते हैं तो वो मान्य है और इस एक्ट के प्रोविजंस उन मैरिजेस पर एप्लीकेबल नहीं है, राइट। नाउ दो बातें हैं, एक है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ फर्स्ट वैलिड मैरिज, यानी आपने जो पहला विवाह किया था उसे कोर्ट ने डिसॉल्व नहीं किया था, कोर्ट ने डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास नहीं की थी और वो मैरिज अपने आप में वैलिडली एग्जिस्ट करता था, तब तक आपने दूसरा मैरिज परफॉर्म कर लिया। या दूसरी बात, आपने पहले स्पाउस के जीवित रहते उसके लाइफ टाइम में आपने सेकेंड मैरिज परफॉर्म कर ली, तो ये क्या है, ये बाइगैमी, राइट। तो सेक्शन 17 जो कि पनिशमेंट ऑफ बाइगैमी के बारे में बात करता है, क्या कहता है, आइए समझते हैं। एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदूज, तो यहां पे हिंदूज के मैरिज के बारे में बात किया जा रहा है क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। तो दो हिंदूज के बीच कोई विवाह संपन्न होता है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इज वॉइड इफ, तो वो क्या होगा, इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद दो हिंदूज के बीच अगर विवाह होता है, इफ एट द डेट ऑफ सच मैरिज, यदि उस मैरिज वाले दिन ईदर पार्टी हैड अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग, दोनों में से किसी का भी पूर्व पति या पूर्व पत्नी जीवित है उस दिन तक जिस दिन उनके बीच विवाह हो रहा है, एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी शैल बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। तो वहां पे आईपीसी का सेक्शन 494 और सेक्शन 495 एप्लीकेबल हो, तो यानी दो हिंदूज के बीच अगर विवाह होता है तो वो वॉइड माना जाएगा, कब, जब जिस दिन उनके बीच विवाह हुआ उस दिन तक उनमें से किसी एक का पूर्व जीवित पत्नी है या पूर्व जीवित पति है, तो ये एक ऑफेंस माना गया है अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी। अब आज जो डेट है वो है 12 जुलाई 2024। हम जानते हैं 1 जुलाई 2024 से हमारे जो पुराने क्रिमिनल लॉज थे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट पूरी तरह से रिपील हो चुके हैं। अब हमारे पास नए क्रिमिनल लॉज हैं बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अब इस सेक्शन में चेंज आपको देखने को मिलेगा और जो नया बेयर एक्ट होगा उसमें 494 और 495 की जगह हमें बीएनएस का सेक्शन देखने को मिलेगा, विच इज सेक्शन 82 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 82 सब सेक्शन 2। तो जहां पहले बाइगैमी को ऑफेंस माना गया था आईपीसी के सेक्शन 494 और 495 में, इन सेक्शंस को अब हमारे भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 82 सब सेक्शन 1 सेक्शन 82 सब सेक्शन 2 में बाइगैमी को ऑफेंस माना गया। जिस तरह से जो भी एग्जांपल्स हमारे आईपीसी में थे अंडर सेक्शन 494 एंड 495, सेम चीज डिटो कॉपी किया गया है सेक्शन 82 सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में, राइट। अब समझिए, तो सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी क्या कहता था, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, पूर्व जीवित पति या पत्नी के रहते हुए उसके लाइफ टाइम में दूसरा शादी करना
एक ऑफेंस है अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी, बट नाउ इट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ बीएनएस. क्या कहता है? हूएवर हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग, कोई भी व्यक्ति जिसका पहले से कोई पति या पत्नी जीवित है, मैरिज इन एनी केस इन विच सच मैरिज सेकेंड मैरिज इज वॉइड, किसी भी तरह से अगर वो शादी करता है, सेकेंड मैरिज परफॉर्म करता है, तो वो वॉइड होगा बाय रीजन ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ सच हस्बैंड और वाइफ, क्योंकि जो दूसरा विवाह उसने किया है उस विवाह को उसने अपने पूर्व पति या पत्नी के जीवित रहते किया है. एंड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है और उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है. तो सेक्शन 494 ये कहता था. अभी हम देखेंगे कि हमारा भारतीय न्याय संहिता क्या कहता है. अब सेक्शन 494 में कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन हूज मैरिज विथ सच हस्बैंड और वाइफ हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन. तो कोई पर्सन अगर दूसरा विवाह करता है और उसके पहले विवाह को किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, उस मैरिज को डिसॉल्व कर दिया था, तो उस पर सेक्शन 494 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे. और अगर वो सेकंड मैरिज परफॉर्म करता है तो वो बाइगेमी में नहीं आएगा, क्योंकि उसके फर्स्ट मैरिज को कॉम्पिटेंट कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया है. नॉट टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स अ मैरिज, ना ही उस पर्सन पर एप्लीकेबल है जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फॉर्मर हस्बैंड और वाइफ, अपने पूर्व पति या पत्नी के लाइफ टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, इफ सच हस्बैंड और वाइफ एट द टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट मैरिज, यदि वो पूर्व पति या पत्नी दूसरे विवाह के दिन तक शैल हैव बीन कंटिन्यूअली एब्सेंट फ्रॉम सच मैरिज फॉर अ स्पेस ऑफ 7 years, पिछले 7 सालों से उसके बारे में कुछ अता पता नहीं है उस पूर्व पति या पूर्व पत्नी के बारे में, सेकेंड मैरिज के दिन तक कुछ अता पता नहीं है पिछले 7 सालों से. एंड शैल नॉट हैव बीन हर्ड बाई एनी सच पर्सन एज बीइंग अलाइव विद इन दैट टाइम, और उन पिछले 7 सालों में उसके बारे में किसी भी पर्सन को कुछ पता नहीं है कि वो जीवित है या मर गया है, कि वो जीवित है या मर गई है. प्रोवाइडेड द पर्सन विथ होम सच मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड, राइट, अगर वो पर्सन सेकेंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करता है और जिससे वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या कर रही है उसे ये चीज बता देती है या उसे ये चीज पता है कि पूर्व पति या पूर्व पत्नी पिछले 7 सालों से लापता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो यहां भी सेकेंड मैरिज वैलिड माना जाएगा और इसे पनिशेबल नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड ऑल्सो अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी, विच इज नाउ पनिशेबल अंडर सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस, राइट, भारतीय न्याय संहिता. तो ये दो एक्सेप्शन थे. अब देखिए सेक्शन 495 क्या कहता था आईपीसी का. सेम ऑफेंस विथ कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विथ होम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड, कोई पर्सन जो अपने पूर्व विवाह को छिपाते हुए दूसरे पर्सन से मैरिज करता है और उस सेकेंड पर्सन को उस पर्सन के पूर्व विवाह के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये ऑफेंस था अंडर सेक्शन 495 ऑफ आईपीसी, बट इट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 82 सबसेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता. और क्या कहता है ये सेक्शन, Whoever commits offense under subsection 1, having concealed the person with whom
subsequent marriage is contracted, the fact of former marriage shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. तो दूसरा विवाह अगर आप किसी पर्सन से कर रहे हो और उसे इस बात के बारे में जानकारी नहीं थी कि आपकी पूर्व में शादी हो चुकी है, तो इसके लिए आप लाइबल हो, फाइन आप पे लगाया जाएगा और आपको 10 साल तक का सजा हो सकता है। राइट, अब देखो हम सेकेंड मैरिज को वैलिड तब मानेंगे जब सेकेंड मैरिज सोलेमनाइज हुआ हो, सेक्शन 5 और सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजन को बखूबी फॉलो करते हैं। यानी कोई किसी मैरिज को हम सेकेंड मैरिज तब मानेंगे जब जो फर्स्ट मैरिज था वो अपने आप में एग्जिस्टिंग वैलिड मैरिज था। यानी फर्स्ट मैरिज जो कि सोलेमनाइज हुआ था दो हिंदूज के बीच, उस मैरिज में सेक्शन 5 के सभी कंडीशंस को बखूबी फॉलो करते हुए और सेक्शन 7 के प्रोविजंस को यानी प्रॉपर रिचुअल्स, प्रॉपर सेरेमनीज यानी सप्तपति के रस्म को फॉलो करते हुए फॉर्मल मैरिज सोलेमनाइज हुआ था। यानी फॉर कंसिडरिंग द सेकेंड मैरिज टू बी वैलिड मैरिज द फॉर्मर मैरिज मस्ट एग्जिस्ट वैलिडली, और जो दूसरा विवाह हुआ है उसमें भी प्रॉपर रिचुअल्स, प्रॉपर सेरेमनीज, सेक्शन 5 के कंडीशंस को फुलफिल करते हुए सेकेंड मैरिज हुआ। अब जैसे सपोज करो कि जो सेकेंड मैरिज परफॉर्म हुआ वो पूरी तरह से सेक्शन 5 और सेक्शन 7 के कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है, तो क्या वो मैरिज लीगली एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। तो यहां पे सेकेंड मैरिज संपन्न हुआ ही नहीं, तो फर्स्ट मैरिज मस्ट एग्जिस्ट वैलिडली और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ स्पाउस सेकेंड मैरिज सोलेमनाइज बाय फॉलोइंग द कंडीशंस, द सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। राइट, लेकिन जो पहला शादी हुआ वो अपने आप में वॉइड मैरिज था, तो अगर सेकेंड मैरिज परफॉर्म किया जा रहा है इधर बाय हस्बैंड और बाय वाइफ, सॉरी इधर बाय फॉर्मर हस्बैंड और बाय फॉर्मर वाइफ, तो यहां पे बायगैमी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट मैरिज था वो अपने आप में वॉइड मैरिज था, या जो फर्स्ट मैरिज था वो कहीं ना कहीं वॉइडेबल मैरिज के कैटेगरी में फॉल करता था और डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दिया गया था, कोर्ट ने डिक्री ऑफ डिवोर्स पास कर दिया था और अपील का जो टाइम पीरियड था वो भी खत्म हो गया था। अब क्योंकि डिवोर्स की डिक्री कोर्ट ने पारित कर दी है और अपील करने का टाइम भी खत्म हो चुका है, तो अगर हस्बैंड या वाइफ सेकेंड मैरिज परफॉर्म करते हैं तो यहां भी वो बायगैमी के लिए गिल्टी नहीं होंगे। राइट, अब हमारे पास एक केस है गोपाल वर्सेस स्टेट। द सेकेंड मैरिज इवन इफ परफॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल सेरेमनीज टर्न्स आउट टू बी वॉइड बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इट cannot be said that the accused would not be guilty under section 494 of IPC. तो इसमें क्लियरली ये कहा गया है कि during the continuance of first valid marriage, यानी first marriage is not dissolved by the court, decree of divorce has not been granted by the court, अगर second marriage perform किया जाता है proper ceremonies, proper rituals के साथ, तो यहां जो पर्सन है जो सेकेंड मैरिज परफॉर्म कर रहा है वो ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता है कि उसका जो सेकेंड मैरिज है क्योंकि प्रॉपर सेरेमनीज, प्रॉपर रिचुअल्स के साथ उसने सेकेंड मैरिज को परफॉर्म किया है तो वो पनिशेबल नहीं है। यहां पे जो शर्त है वो ये है कि ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ फर्स्ट वैलिड मैरिज अगर आप सेकेंड मैरिज परफॉर्म करते हो तो ये पनिशेबल होगा। हाँ, अगर डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास हो गई थी फिर आप जो अपील करने का पीरियड था उसके खत्म होने के बाद आप सेकेंड मैरिज करते हो दैट इज वैलिड, लेकिन ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ फर्स्ट वैलिड मैरिज अगर आप सेकेंड मैरिज करते हो तो आप बायगैमी कहलाओगे।
एक और केस हमारे पास रजती वर्सेस जी गणेशम। टू प्रूव द सेकेंड मैरिज एज अ फैक्ट एसेंशियल सेरेमनीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इट मस्ट बी प्रूव्ड एंड इफ सेकेंड मैरिज इज नॉट प्रूव्ड टू हैव बीन वैलिडली परफॉर्म्ड बाय ऑब्जर्विंग एसेंशियल सेरेमनीज एंड कस्टम्स इन कम्युनिटी कॉन्विक्शन अंडर सेक्शन 494 ऑट नॉट टू बी मेड। इसमें ये कहा गया है कि अगर आपने जो सेकेंड मैरिज परफॉर्म किया है आपने प्रॉपर सेरेमनीज प्रॉपर रिचुअल्स के साथ नहीं किया है और जो कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है वो कम्युनिटी आपके मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करती है और ये प्रूफ होता है कि आपका जो मैरिज है वो लीगली एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया। तो ये बाइगैमी नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकेंड मैरिज लीगली एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया, प्रॉपर कस्टम्स को फॉलो नहीं किया, राइट? तो बाइगैमी कब कमिट होगा? जब पहला जो मैरिज हुआ था वो लीगली एग्जिस्ट करता था, पूरे सेरेमनीज पूरे कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपने मैरिज परफॉर्म किया था और फिर आप सेकेंड मैरिज कर रहे हो पूरे कंडीशंस पूरे सेरेमनीज को निभाते हुए, तो आपने बाइगैमी कमिट किया है। एक और केस है हमारे पास वैलिडिटी ऑफ सेकेंड मैरिज को लेकर के, सुरेश खुल्लर वर्सेस विजय कुमार खुल्लर। इसमें क्या कहा गया? वेयर ऑन द डेट ऑफ सेकेंड मैरिज, दूसरे विवाह के दिन तक, हस्बैंड हैड डाइवोर्स्ड हिज सेकेंड फर्स्ट वाइफ, उसने अपने पहली पत्नी को तलाक दे दिया था उस सेकेंड मैरिज के डेट तक, और जो डाइवोर्स था वो 4 साल पहले कोर्ट ने ग्रांट कर दिया था। एंड डिग्री ऑफ डाइवोर्स अगेंस्ट फर्स्ट वाइफ वॉज नॉट सेट असाइड, और जो डिग्री ऑफ डाइवोर्स था वो अभी भी कोर्ट में बना हुआ था क्योंकि कोर्ट ने उस वाइफ के फेवर में उस डिग्री को सेट असाइड नहीं किया था। टिल द डेट ऑफ सेकेंड मैरिज, सेकेंड मैरिज के डेट तक, तो सेकेंड मैरिज क्या होगा? वैलिड हो जाएगा क्योंकि जो डिग्री ऑफ डाइवोर्स है जो 4 साल पहले ग्रांट कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा अगेंस्ट द फर्स्ट वाइफ, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो अभी भी फोर्स में है, उसे सेट असाइड नहीं किया था कोर्ट ने दूसरे विवाह के दिन तक। तो हस्बैंड अगर सेकेंड मैरिज परफॉर्म करता है तो ये पूरी तरह से वैलिड हो। अब सेक्शन 17 को हम लिंक करेंगे अपने सेक्शन 15 के साथ जो कि कहता है डाइवोर्स्ड पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन, कब कोई डाइवोर्स्ड पर्सन दूसरी शादी कर सकता है। देखो, अगर डाइवोर्स का जो पिटीशन था वो अंडर सेक्शन 13B था, मतलब डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की डिग्री थी, कोर्ट ने पास कर दी थी, तो जो हस्बैंड और वाइफ है क्योंकि उन दोनों ने म्यूचुअली डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया था, तो जिस दिन डिग्री ऑफ डाइवोर्स ग्रांट होगा उस दिन के बाद किसी भी समय दोनों एज पर योर चॉइस सेकेंड मैरिज परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो डाइवोर्स का पिटीशन था वो अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 और अंडर सेक्शन 14 प्रेजेंट किया गया था, यानी कंटेस्टेड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स था, दूसरे स्पाउस के विल के कंसेंट के अगेंस्ट था। तो सेक्शन 15 में कुछ प्रोविजंस थे जिन्हें हमने पढ़ा था, आइए एक बार और रिकॉल करते हैं। जैसे इफ देयर इज नो राइट टू अपील अगेंस्ट डिक्री ऑफ डिवोर्स बाय ईदर पार्टी, यानी अगर सेक्शन 13B में पिटीशन ऑफ डिवोर्स फाइल किया गया था तो यहां पे कोई राइट ऑफ अपील एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि डिवोर्स पिटीशन वाज प्रेजेंटेड म्यूचुअली, तो जिस दिन डिक्री पास हुआ उस दिन के बाद किसी भी समय सेकेंड मैरिज परफॉर्म किया जा सकता है। दूसरा, अगर इनकेस राइट टू अपील एग्जिस्ट करती थी और कोर्ट ने टाइम दिया था कि विद इन 90 डेज आप अपील फाइल कर सकते हो और वो जो लिमिटेशन पीरियड है वो एग्जिस्ट
वो खत्म हो जाता है। तो उसके बाद किसी भी समय इधर हस्बैंड और वाइफ में परफॉर्म सेकंड मैरिज। तीसरा, अपील पिटीशन को फाइल किया गया था हाई कोर्ट में और कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया था। तो अब इधर हस्बैंड और वाइफ में परफॉर्म सेकंड मैरिज। अब देखो एक और कंडीशन है कि जिस दिन डाइवोर्स की डिक्री पास किया कोर्ट ने, राइट, और जो अपील का पीरियड था, किसी पर्सन ने, इधर हस्बैंड और वाइफ ने अपील फाइल कर दिया था और पिटीशन था, अभी प्रोसीडिंग्स में था, और उन दोनों के बीच समझौता हो जाता है कि हाँ अब वो दूसरी शादी कर सकते हैं और वो कर लेंगे। तो यहां भी वो दूसरी शादी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज दोनों में हो चुका है, राइट। तो ये था सेक्शन 17 जो कि पनिशमेंट फॉर बाइगैमी को लेकर के है, और सेक्शन 494 एंड सेक्शन 495 ऑफ आईपीसी इसे पनिशेबल ऑफेंस मानता था, अब इसका जगह ले लिया है हमारे भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 82 सबसेक्शन 2, जिसमें क्या है कि मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ में 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है और फाइन है, और अगर जिससे सब्सिक्वेंट मैरिज परफॉर्म किया जा रहा है उससे इस फैक्ट को छिपाया जा रहा है कि पहले से उसका कोई शादी हो चुका है और पूर्व पति या पूर्व पत्नी जिंदा है, तो ऐसे केस में उसे 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और उसके ऊपर फाइन लगाया जाता है, राइट। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। ये जो सेक्शन है वो मुश्किल से 5 से 6 लाइन का है, लेकिन इसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको समझाने की कोशिश करी, ताकि अगर आप मेरे वीडियोस पे टाइम दे रहे हो तो सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर रहे और आपका एक अपना व्यू पॉइंट रहे, और ये अंडरस्टैंडिंग ना केवल आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में मदद करेगी, ऑल्सो जब आप वाइवा दोगे, जब आपसे क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे आपके टीचर्स, तो वहां भी आप अच्छे से वाइवा दे सकते हो और उन क्वेश्चंस के अच्छे आंसर दे सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मेरे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो।